अमित आए हमारे साथ। इनफैक्ट फोर्टिस की बड़े मूव ने पूरे हॉस्पिटल स्पेस में भी अफरा तफरी की और दूसरे स्टॉक्स में भी हमें अच्छे मूव्स देखे, लेकिन फोर्टिस 311 पे कैसा लगता है मयूरेश से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपको एक ये देखिए 6 महीने के हाईएस्ट लेवल्स पे आ गया है, एक बार सौमित के पास चलते हैं, इस केस का बैकग्राउंड और क्यों इंपॉर्टेंट है समझ लेते हैं, फिर मयूरेश के पास आते हैं। गुड मॉर्निंग सौमित। काफ़ी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट हियरिंग है ये फोर्टिस के लिए। अगर बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो IHH ने नवंबर 2018 में करीब 31% स्टेक लिया था फोर्टिस में, और तब जो शेयर प्राइस पे वो लिया था वो करीब 170 के आसपास था। उन्होंने करीब 4000 करोड़ रुपीज़ इन्फ्यूज़ किया था कंपनी में, सो दैट कंपनी फोर्टिस RHT के जो एसेट्स थे उसको अक्वायर कर पाए। अभी एसेट्स अगर उस टाइम पे फोर्टिस ने अक्वायर नहीं किया होता तो उन्हें एक हेफ्टी ड्यू क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट फीस पे करना पड़ता था RHT को, और उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक्विजिशन कर दी। बट चूंकि ऑलरेडी एक केस चल रहा था डाइची और सिंह ब्रदर्स के बीच में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो नोटिस छाप दिया फोर्टिस के पे, और इसी कारण जो ओपन ऑफर था वो डिले हो चुका था IHH का। अब अगर एक पॉजिटिव आउटकम आता है तो IHH जो ओपन ऑफर है उसको कंटिन्यू करेगी, और जो ओपन ऑफर का प्राइस अब होगा वो 249 के आसपास हो सकता है, क्योंकि अगर आप सेबी का जो 10% इंटरेस्ट रूल है उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो ओपन ऑफर प्राइस 249 पे आ सकता है। और अगर नेगेटिव आउटकम आता है, जिसका पॉसिबिलिटी कम है एनालिस्ट के हिसाब से, तो अगर नेगेटिव आउटकम आ गया तो ये जो पूरा फंड इन्फ्यूजन था वो वॉइड हो जाएगा, और उसी के साथ फोर्टिस को पूरा ट्रांजैक्शन वापस से रिवर्स करना पड़ सकता है। अब काफ़ी टाइम से ये केस चल रहा है तो एक बड़ा ओवरहैंग रहा है फोर्टिस के शेयर प्राइस पे, और आजकल मार्केट रूमर्स में भी चल रहा था कि जो ओपन ऑफर प्राइस होगा वो शायद हायर हो सकता है सेबी कैलकुलेटेड प्राइस से, क्योंकि अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो वो भी हायर साइड पे है सेबी कैलकुलेटेड प्राइस के सामने। बट ये सब का सब डिपेंड करेगा आज के आउटकम में क्या आता है सुप्रीम कोर्ट से। सौमित शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। फोर्टिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आउटकम जो है इस पर खास नजर होगी, और फोर्टिस के लिए IHH के ओपन ऑफर का रास्ता जो है इससे साफ होता हुआ दिख सकता है। पूरी संभावना कम से कम 249 के दाम पर ओपन ऑफर आने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। फोर्टिस हेल्थ के स्टॉक प्राइस की अगर बात करें, इसी हफ्ते हमने देखा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर नजर आई थी, मूवमेंट थी, और आगे भी टेक्निकल्स कैसे दिख रहे हैं एक बार क्विकली किरण आप बताएं, फोर्टिस हेल्थ न्यूज फ्लो है, टेक्निकल चार्ट कैसे दिखेंगे? सो फोर्टिस की बात करें हम तो लास्ट टाइम भी हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था। ओवरऑल जिस टेक्निकल सेटअप पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट, साथ ही साथ ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, सो कहीं ना कहीं काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। जब तक ये स्टॉक 290 के ऊपर है हमारी तो सलाह यही रहेगी आप बाय ऑन डिप कीजिए, और एज एन इन्वेस्टमेंट इसको ले सकते हैं हम, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 360-370 काइंड ऑफ टारगेट। फोर्टिस क्या इस भाव पे बनता है एक बार खरीदना, क्योंकि ये एमएनसी कंपनी बन जाएगी अगर पूरा क्लियर हो जाएगा, दूसरे वैल्यूएशन लगेंगे, एमएनसी ब्रांड, हायर एक्सपेंशन, आपकी क्या राय है फोर्टिस वर्सेस अदर हॉस्पिटल्स? मयूरेश तो अजय आई थिंक दो चीजें हो रही हैं। एक आई थिंक ये रूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है फोर्टिस के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ओवरहैंग निकल जाएगा कि इस एस्पेक्ट में रूलिंग आती है और क्या प्राइस पे आती है अगर ऊपर ऑफर आना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रहेगा। बट दो चीजें आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द हियरिंग इटसेल्फ, आई थिंक जो हॉस्पिटल स्पेस है, जो बेड एडिशन हो रहे हैं, वो फोर्टिस हो, अपोलो हॉस्पिटल्स हो, किम्स हो, नारायण रुद्रालय हो, दे आर एडिंग हॉस्पिटल बेड्स अगले कुछ वर्षों के लिए थ्रू एन एसेट लाइट मोड। तो आई थिंक जो एक एसेट लाइट मोड हो रहा है बोथ ऑर्गेनिकली एंड इनऑर्गेनिकली, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ देयर मार्जिन परफॉर्मेंस। दूसरा आई थिंक जो इंटरनेशनल पेशेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसे मेडिकल टूरिज्म कहते हैं, वो एक अच्छे खासे पेस पे बढ़ते जा रहा है। दिस इज वॉट आई प्रॉबली सीन फ्रॉम अ लॉट ऑफ कॉल कॉल्स दैट हैव हैपेंड फॉर ऑल दीज हॉस्पिटल स्टॉक्स। और तीसरा आई थिंक जो न्यू हॉस्पिटल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है अजय, आई थिंक दैट हैज स्टार्टेड इंप्रूविंग क्वाइट सिग्निफिकेंटली। जो ऑप्ट आउट सर्जरीज हुई थी कोविड काल में, आई थिंक पीपल हैव कम बैक फॉर दोज सर्जरीज एट दिस पीरियड ऑफ टाइम। और जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है, और जो न्यू हॉस्पिटल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है एबिट फ्रंट पे, दैट हैज शोन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट अलॉन्ग विद इंप्रूवमेंट टर्म्स ऑफ देयर फार्मेसी बिजनेस। अगर हम SOTP एक वैल्यूएशन निकाले काफी हॉस्पिटल चेन्स के लिए, दे आर शोइंग सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट। और हॉस्पिटल ऐसी एक स्पेस है कि मंदी हो या ना हो, आई थिंक दिस इज सम सर्विस अनफॉर्चुनेटली जिनको यूज करनी हो करनी ही पड़ती है। तो एज अ स्पेस लुक्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव, एक बार ये निकल जाएगी तो आई थिंक एक बहुत बड़ा ओवरहैंग फोर्टिस के ऊपर से हट जाएगा। ऑल राइट, तो ये तो फोर्टिस हेल्थ पर एक क्वेश्चन रहा, ये ओपिनियन रहा मयूरेश का। कुछ